सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप भी आगे बढ़े और मेरा देश, हमारा हिंदुस्तान भी दोस्तों हमेशा सबसे आगे बढ़े और आगे बढ़ता ही रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है 15 अगस्त की सुबह हो चुकी है, बगल में जो है सोसाइटी वहां पर जनगण मन गाया जा रहा था और बहुत सारे नेशनल सॉन्ग्स गाए गए, हर जगह पर झंडे ही झंडे दिख रहे हैं, ठीक है। और मोमो देखिए अंगड़ाई ले रहे हैं, ठीक है। सुबह उठते इनके मोबाइल हो जाते हैं चालू, ठीक है। लेकिन कल एक चीज आज गई थी जिसको हमने अनबॉक्सिंग नहीं किया था, तो ये बेबी के लिए कुछ आ चुका है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मोमो फिर से जिद कर रहा है कि ये मोमो की चीजें हैं, लेकिन मोमो की नहीं है, ये बेबी के लिए हमने मंगवाया बाथ टब, क्योंकि जब भी बाथरूम वगैरह में रहते हैं ये नाराज हो गया है, इसका चलता रहेगा, पूरा दिन चलता रहता है, रूठना मनाना चलता रहता है। तो जब बच्चों को आप बाथरूम में ले जाते तो फिसलन होती है, टाइल्स होती है, तो हो सकता है कि बच्चा गिर सकता है, तो हमने ये बाथ टब मंगवाया है। इस बार हमने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है और बेबी हग का है, तो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसा है, और आपको फर्स्ट इम्प्रेशन और मेरी वाइफ का रिव्यू भी देंगे कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी कैसी है, कितने में पड़ा, सब कुछ। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का ये अनबॉक्सिंग। चलिए तो दोस्तों अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और दोस्तों ये देखिए कुछ निकल चुका है और इसमें कुशनिंग भी है ताकि आप बच्चे को इसमें लिटा भी सकते हैं अगर कभी लिटाना है आपको तो। लेकिन बात तक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसमें रबरिंग कुशनिंग दी हुई है। यहाँ से नज़दीक से कहूँगा मैं, हमारे कैमरामैन जो हमारी वाइफ है कभी के लिए वो दिखाएंगे, यहाँ रबरिंग कुशिंग है और मटेरियल थोड़ा अच्छा है और ये ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लॉकिंग सिस्टम है इसलिए वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से पानी जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। पानी को आप शायद बंद भी कर सकते होंगे, तो अभी हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ से आप ये यहाँ अगर लगा देंगे, ओके अभी नीचे और होगा, ऊपर करिए थोड़ा। देखिए दोस्तों ये पूरा इसका बाथ टब बन गया बड़ा सा, तो इसमें आप पानी भर के इसको लिटा सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि पूरा बड़ा हो चुका है, यहाँ रबर की कुशनिंग है इसकी वजह से ये बंद और खुलता है। हाँ ये कोई चीज़ कोई टेंशन नहीं है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। एक और चीज़ भी अनबॉक्सिंग के लिए है तो बने रहिएगा, वो भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ, आई डोंट नो इस पर क्या लगेगा, बेबी हग प्रोडक्ट है, यहाँ मार्किंग है बेबी हग का, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर हल्की सी रेत जैसा कुछ, मतलब वो दाने दाने से भरे हुए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। आई थिंक सो यहाँ बच्चे को लिटा के करना होगा, आई डोंट नो कैसे होगा। यहाँ पर सामने जो है कुछ मैंने पढ़ा है, वो मैं आप लोगों को की फीचर्स पढ़वा देता हूँ, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था कि ये जो कुशन है वो आपको बैग के ऊपर लगा देना है। देखिए इस तरीके से कुछ लग जाएगा और कम्फर्टेबल हो जाएगा, जिससे बेबी को जो है वो और मज़ा आएगा। और ये ऐसे मटेरियल से दोस्तों बना हुआ है कि आसानी से सूख जाए, बहुत पतला सा इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया हुआ है ताकि ये सूख जाए आसानी से बार बार, और सेफ्टी कन्वीनियंट है। टेम्परेचर सेंसिटिव है, यहाँ पर ड्रेनेज जो पग है चेंज वो कलर इंडिकेशन करेगा, अगर ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पानी जो है वो बेबी के लिए ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है, लाइट वेट फोर्डेबल है, इसकी एजिस बहुत अच्छी है दोस्तों, क्वालिटी में कहूँगा सुपर फाइन है, ऐसी प्लास्टिक मटेरियल बहुत जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी रबर की कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विथ इट। इसका प्राइस कितना पड़ा, ये कुछ 1850 या 1900 के आसपास दोस्तों हमको पड़ा है। तो चलिए दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको हेल्पफुल रहेगा, आप डेफिनेटली जा सकते हैं, क्वालिटी इज अल्ट्रा मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी और जो फीचर्स दिए गए हैं उससे। अब दोस्तों लॉकिंग सिस्टम को आपको कुछ नहीं यहीं पर लगा देना है, और ये जो है वो आगे मूव भी करेगा, यहाँ पर ये जो किनारी है
इसमें ये आपका लॉक जो है वो फिट हो जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है आराम से फिट हो जाएगा, तो आपका जो कुशन है वो अंदर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिलेगा नहीं कुशन, और बच्चा इसी पे रहेगा और आप उसको नहला सकते हैं। और ये कुशन इतना है कि आप अगर इसको दूर ले जाना चाहते हैं तो दूर भी ले जा सकते हैं, और पास ले आना चाहते हैं तो पास भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे इसका इंस्टॉलेशन भी दोस्तों होगा। हमारे मोमू जो है वो सोचते हैं कि वो भी इसमें नहाएंगे, उसको भी नहलाएंगे, अब क्या करेंगे, और बैठ जाते हैं अंदर बार बार, मज़े कर रहे हैं वो भी। देखिए तो पीछे से भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रबरिंग ग्रिप दी हुई है और यहाँ पर भी थोड़ी सी सपोर्टिंग दी गई है, मतलब जब बाथटब पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, वो रबर ग्रिप है उसको पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो एज अ कैरी भी आप कर रखना चाहते हैं, बच्चे को सिर्फ सुलाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सपोर्ट्स अच्छे दिए हुए हैं, प्लस यहाँ पर दोस्तों वार्निंग लिखी हुई है कि पानी का टेम्परेचर देखिए, ज़्यादा पानी ना भरें, बच्चे को छोड़ के दूर ना जाएं। तो ये सारी वार्निंग्स लिखी हुई है, ये उसकी भी खास ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों को पूरे एहतियात से बच्चे को नहलाना है। हम ये सेफ्टी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हम इस सेफ्टी की वजह से कहीं बच्चे को थोड़ा सा नुकसान हो जाए। तो आप लोगों को करते समय, यूज़ करते समय भी थोड़ा सा ख्याल रखना है दोस्तों। कभी इसको यूज़ करते हुए भी आप लोगों को हम दिखाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। ऐसे ही होम अप्लायंसेस वगैरह हम रिव्यू करते रहते हैं, और अब तो नन्नी मुन्नी सी आ गई है हमारे घर में, तो नन्नी मुन्नी के खिलौने वगैरह सब आते रहेंगे, वो रिव्यूज़ आप लोगों के लिए हम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।